राधे राधे दोस्तों। तो हो गई सुबह और मैं उठ गई हूँ। तो अब मेरे होंगे सारे काम जो हैं, स्कूल जाना, घर का काम, नाश्ता वगैरह। तो मैं मेरी जो भी लाइफस्टाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें। राधे कृष्णा। पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। सुबह उठ के गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। बोली बहन, हेलो दोस्तों। तो यहाँ मेरा बेटा जा रहा है स्कूल और उसके बाद मेरी होंगे और सारे काम। तो हो गया स्कूल। तो अब मैं सारे घर के काम निपटा के अपना स्कूल जाऊंगी और कान्हा जी को नहला के, राधा रानी को नहला के, और उसके बाद मैं जाऊंगी स्कूल में। जो मेरा डेली का रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को अंत तक देखना। कुछ तुलसी की पत्ती मैं कान्हा के लिए लेके जाती हूँ उनके भोग में लगाने के लिए, और जो उनके लिए पीने के पानी रखती हूँ उसमें रखने, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी बहुत प्रिय होती है। तो उनके हर चीज़ में तुलसी होनी चाहिए, तुलसी के पत्ते होने चाहिए। जब तक मैं कान्हा को नहलाती हूँ तब तक मैं दाल उबालने के लिए रख देती हूँ। तो तब तक दाल उबल जाएगी, उसके बाद मैं उसे छोंक दूंगी। ये दाल रख दी है, दाल उबल जाएगी तब तक मैं तो मैं कान्हा जी को नहलाने और राधा रानी को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं उन्हें नहलाती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। ये वो पानी है जिससे मैं उनको नहलाती हूँ और उसके बाद में इन्हें तुलसी की जड़ में डाल देती हूँ। जो मैं राधा रानी और कान्हा जी को लाती हूँ फिर मैं ये तुलसी की जड़ में डाल देती हूँ। तो अब मैं ये नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पहले दाल उबालने के लिए रख दी थी, तो उसके बाद मैंने उनको नहलाया था, राधा रानी और कान्हा जी को। फिर अब मैं जो हूँ दाल छोंकती हूँ और उसके बाद अपना जो है ड्यूटी जाऊँगी। तो बहुत जल्दी होती है सुबह, सारे काम की भूत भूत बच जाती है।
तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो अब मैं जो है फटाफट 7 मिनट उठा के और चलूँगी अपनी ड्यूटी पे। तो ये इधर ये देखो, मैंने दाल भी छोंक ली है और दाल भी छोंक के तैयार हो गई है। और इधर मैं अब रोटी बनाऊँगी, पराठा बनाऊँगी और फिर जाऊँगी। बोलो गुड मॉर्निंग। नहीं बोलते गुड मॉर्निंग अबू? इतनी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो उसके बाद हमारे सेंटर पे मैम आई हुई हैं, जो बच्चों को लगातार जो है आएंगी हमारे सेंटर पे 1 महीने तक और हमें सिखाएंगी किस तरीके से हमें उन्हें पढ़ाना है।